Good evening guys, welcome to my channel Coastal Angler। फिर एक बार आपके साथ एक नए लोकेशन में सिर्फ फिशिंग के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ख़तरनाक स्पॉट है, कितने ऊंचाई से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और वेरी रिस्की स्पॉट है और इतना ऊपर से नीचे उतरने के बाद में वापस जाना भी बहुत कठिन का काम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेन चीज़ सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना होगा। ये ऐसे जगह हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वापस जाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे जगह में जाने के लिए आप सही वाला शू पहने, सही वाला नॉन स्लिप होने वाला शू वेरी इम्पोर्टेंट है फिशिंग में, क्योंकि यूजुअली जो भी अपने फिशिंग स्पॉट होते हैं वो ज़्यादा फिसलने के जैसे रहते हैं। तो आप सही वाला जूता पहने और सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। वो इस तरफ का है वाइंगनी और इसके बीच में हाउस के बीच में। फाइनली गाइस हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, तो यहां से हम लोग फिशिंग स्टार्ट करेंगे, अपना टैकल वगैरह पटकन जोड़ लेंगे। आज का वेदर कंडीशंस तो बहुत अच्छा है, होपफुली हमें कुछ ना कुछ आज फिश मिलेगा। कोशिश करना ही फिशिंग है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना कास्टिंग। ये मेरा पहला कास्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। मारा क्या जोर से था मालूम है? तो दोस्तों लूर चेंज करके देखते हैं। ये मेरा एक फेवरेट लूर है, इस लूर पे मैंने बहुत सारे मच्छी पकड़े हैं। आप मेरे ज़्यादा वीडियोस में आप देख सकते हैं कि यही लूर मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव लूर है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इस पर ऑलमोस्ट कोई भी मच्छी मिल जाती है आपको, बारामुंडी से लेके स्नैपर, ग्रुपर, ट्रिवैली, कुछ भी इसको पकड़ लेती है दोस्तों। खासकर जो स्नैपर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस लूर और इस कलर को पसंद करते हैं। तो दोस्तों पूरा सनसेट हो रहा है, कुछ टाइम बाकी है
जो मेन एक्टिविटी का टाइम है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मच्छी की तरफ से, लेकिन अपने को सब टेक्निक करते रहना है, ट्राई करते रहना है, बहुत पेशेंस का काम है। तो पहले लोकेशन पे कुछ एक्टिविटी नहीं मिला दोस्तों, तो अब मैंने स्पॉट चेंज किया है। ये देख वापिस से खाया रे वो इधर। Guys, needle fish. यार छोटा है और इतना कुद रहा है। देख हैंग विंग पे गुदी मारेगा यार। इसको नीडल फिश कहते हैं क्योंकि इसके आगे का जो चोंच है बहुत लंबा होता है, जैसे एक नीडल की तरह, और वेरी डेंजरस है, बहुत शार्प टीथ है इसके। आपको इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है दोस्तों। Luckily, he is properly hooked. You can see its teeth, deadly. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, एक नए लोकेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।